मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? पूजा चड्डा। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? वेस्ट पटेल नगर। कितने साल का है आपका बच्चा? 6 साल की बेटी है मेरी। मैम क्या देख रहे थे आप अपनी बेटी के लिए? मैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट फ्यूचर देखना चाह रही थी, हर चीज़ में वो परफेक्ट रहे, एक्सेप्ट मतलब स्पोर्ट्स में, स्टडी में, राइटिंग में, एक्टिविटीज़ में। और वो मुझे मतलब फेथ एकेडमी में, मैं उससे इसीलिए मैंने उसको फेथ एकेडमी में भेजा स्कूल में। फेथ एकेडमी स्कूल के अलावा मैम और भी कोई स्कूल्स जो आपने चुने थे अपने बच्चे के लिए? हाँ, मैंने एक 2-3 जगह इसका इंटरव्यू दिलवाया था, सलवान पब्लिक स्कूल में भी दिलवाया था। कहाँ पर? राजेंद्र नगर में जो है उसमें एक इंटरव्यू दिलवाया था, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो फेथ एकेडमी में हुआ था। तो मैं उससे सेटिस्फाइड थी, मैं चाहती भी थी कि फेथ एकेडमी में हो जाए। फेथ एकेडमी कहाँ आपने चुना? प्रसाद नगर। मैम इन दो स्कूल्स के अलावा और भी कोई स्कूल्स जो आपने देखे हों? स्कूल तो उस समय तो काफ़ी सारे देखे थे, बट मैं इसी में इंटरेस्टेड थी, फेथ एकेडमी में। मैम और कोई वजह फेथ एकेडमी स्कूल को चुनने की? हाँ, एक तो बिल्कुल हमारे घर के नियर बाय था, इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैंने इसीलिए उसको दी, नियर बाय था, और वहाँ का मैंने सुना भी हुआ था कि अच्छा काफ़ी स्कूल। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फेथ एकेडमी स्कूल के साथ? बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा। कुछ ऐसी दो बातें स्कूल की जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? एक तो बच्चों के हैंड राइटिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, और सेकेंडली बच्चों को डिसिप्लिन बहुत अच्छे से सिखाते हैं फेथ एकेडमी में। मैम फेथ एकेडमी स्कूल में कुछ ऐसा जहाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है आपके हिसाब से? हाँ, जो सीनियर्स जाकर सीनियर क्लास में जो मैंने देखा है, वहाँ बच्चों के साथ थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं टीचर्स, तो वो अगर जैसे जूनियर क्लासेस में वो भी अगर कंटिन्यू रहे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा वो एक है माइनस पॉइंट लग रहा है उनका। मैम 1 से 5 के स्केल में जहाँ 1 का मतलब है आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब है आप पूरी सिफारिश करेंगे, तो फेथ एकेडमी स्कूल की आप दूसरे पेरेंट्स को कितनी सिफारिश करेंगे? 5 नंबर पे सिफारिश, 5 नंबर ही होगी मैम उसको। थैंक यू सो मच मैम।